अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ की बट कढ़ाई। तो उसके लिए सबसे पहले हमने कढ़ाई ले लिया है, फ्लेम ऑन करेंगे। फ्लेम को हमने तकरीबन हाई रखना है और इसमें मैं तकरीबन 2 कप पानी पहले शामिल करूंगी। और 1/2 टेबल स्पून के करीब इसमें हल्दी ऐड करेंगे और जब तक बॉईल नहीं आ जाता पानी में, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। बॉईल, पानी को बॉईल होने का इंतज़ार करेंगे। बीफ की मैंने यहाँ पर मिक्स बूटी ले ली है, तकरीबन 2 किलो बीफ मेरे पास है, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 कप पानी डाला था। पानी बॉईल होने जा रहा है। यहाँ मैंने एक होल गार्लिक ले लिया था, लहसुन, उसको मैंने कूट लिया है, मोटा मोटा कूट लिया है, बहुत ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं बनाना। तो इसको मैं इसमें ऐड कर दूंगी, सिर्फ लहसुन, अदरक नहीं मैंने इसमें शामिल किया। ठीक है, इसको हम मिक्स करेंगे और साथ ही हम जो ये बीफ है इसको भी इसमें शामिल कर देंगे। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसको हम तकरीबन 5 मिनट के लिए थोड़ा सा पकने देंगे। बीफ का कलर चेंज हो चुका हुआ है, तो यहाँ पर हम तकरीबन 2 चम्मच के करीब नमक ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 2 लार्ज साइज के प्याज लिए हुए थे ग्रेवी के लिए, ये इसमें ऐड करेंगे। और इसके अलावा 4 अदद मेरे पास लार्ज साइज के टमाटर थे, ये भी इसमें ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर देंगे। याद रहे कि हमने मसालों में सिर्फ नमक और हल्दी ही ऐड किया है, इसके अलावा और कुछ नहीं ऐड किया। यहाँ हम इसको 30 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे मीडियम फ्लेम पर। तकरीबन 35 मिनट हो चुके हुए हैं, अब हम इसको देख लेते हैं। अभी भी थोड़ा सा पानी है और गोश्त तकरीबन मैंने देख लिया था, 99% ये तकरीबन गल चुका हुआ है, बाकी हम इसको जब मसाला वगैरह भूनेंगे तो ये तैयार हो जाएगा। अभी इसको थोड़ा सा और हम ड्राई करेंगे इसका पानी और फिर इसमें ऑयल और बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। इसको हम बगैर ढक के अब रखेंगे ताकि ये इसका पानी जो है वो जल्दी से खुश्क हो जाए। तो पानी यहाँ पर तकरीबन ड्राई हो रहा है, ये ग्रेवी ग्रेवी सी है अब हमारे पास, तो यहाँ पर हम ऑयल ऐड करेंगे। ये तकरीबन मैंने 1 कप के करीब ऑयल ऐड किया। यहाँ पर मेरे पास 3 to 4 टेबल स्पून के करीब बटर है, ये ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें घी भी ऐड कर सकते हैं, घी से भी एक अपना एक टेस्ट आता है। देसी घी ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बाकी मसालों की बारी आती है साथ साथ। यहाँ मैंने ब्लैक पेपर ले लिए हैं, काली मिर्च, ये कुटी हुई काली मिर्च है, ये तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब है। ठीक है, ये इतना मैं इसको ऐड करूँगी, किसी भी नहीं डाली वरना आपकी कढ़ाई जो है वो काली हो जाएगी। ज़ीरा 1 चम्मच, लाल मिर्च, क्योंकि मैंने ब्लैक पेपर भी डाली है और कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड करनी, इसलिए मैंने ये हाफ चम्मच जो है ऐड किया है। 2 चम्मच के करीब कुछ धनिया और 1 चम्मच ये मैंने कुटी हुई मिर्च, साबुत मिर्च है, उसको मैंने बारीक बारीक तोड़ लिया, छोटा छोटा तोड़ लिया, ये ऐड करेंगे। अब हम इसको भूनेंगे। हमें इसको तकरीबन मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसकी भुनाई करनी है, तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेंगे। मसालों की भुनाई हो चुकी है, यहाँ पर मैं यहाँ 2 कप के करीब दही ऐड करूँगी और दही को हमने जल्दी से मिक्स कर लेना, इसको फटने नहीं देना,
ताकि इसकी ग्रेवी जो है वो बनी रहे। हमारी ये ग्रेवी तैयार हो चुकी हुई है। अब हम इसमें एंड पे हरा धनिया, हरी मिर्च ऐड करेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। गार्निशिंग के लिए हम यहाँ पे अदरक जूलियन साइज कटी हुई वो ऐड करेंगे और आखिर में ये लेमन। जी तो व्यूअर्स, हमारी बटकड़ाही, बीफ की बटकड़ाही बनकर तैयार है। होपफुली आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। नेक्स्ट रेसिपी के लिए दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।